जल संकट पर भाजपा के मटका फोड़ प्रदर्शन को कांग्रेस ने महज नाटक बताया है। जी हां, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला और इस दौरान कहा कि ये केवल बीजेपी की नौटंकी है। खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 5 साल में भाजपा की राज्य और केंद्र में सरकारें रही, उन्होंने पानी के लिए क्या योजनाएं बनाई और कितना पैसा इन पर खर्च किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमें लोकसभा चुनाव की अधिसूचना लगने के चलते काम करने को केवल 1 माह मिला है और जिसमें हमारी सरकार ने अकेले जयपुर शहर में 532 हैंडपंप खोदकर चालू कर दिए हैं। साथ ही 730 नए हैंडपंप को स्वीकृति भी अब मिल चुकी है। के नेता अचानक अपने कार्यकर्ताओं के साथ पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। पानी के मुद्दे पर 5 वर्षों तक 2013 से लेकर 2018 तक वसुंधरा जी की सरकार के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने, किसी एमएलए ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हालात इतने खराब हुए कि आप ये सोच लीजिए कि जयपुर में हमने इस वक्त 1 महीने काम किया, 1-1.5 महीने सारा टाइम आचार संहिता में निकल गया। इसके बावजूद राजधानी जयपुर में जितना काम इस सरकार में हुआ है, लगभग 500 बोरिंग हम कर चुके हैं, लोगों तक पानी पहुंच रहा है। कल जिस जल भवन पे उन्होंने प्रदर्शन किया, उस आसपास की कॉलोनियों में जाना, वहां पानी की जबरदस्त दिक्कत थी, वो सारी दिक्कत दूर हो गई। जो सारी बेल्ट है, नाला बेल्ट, हसनपुरा बेल्ट, शांतिनगर बेल्ट।